उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिवसीय महाराजगंज महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी एवं अभिनेता व गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने संयुक्त रूप से किया। महाराजगंज महोत्सव की पहली शाम जिले के लिए यादगार रही। सबसे पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कवि कुमार विश्वास का गौतम बुद्ध की मूर्ति देखकर उनका स्वागत किया। उसके बाद कवि कुमार विश्वास व उसके साथ आए हास्य व वीर रस के कवियों ने उपस्थित भीड़ का भरपूर मनोरंजन किया। दर्शकों ने ताली बजाकर कवियों का स्वागत किया। कुमार विश्वास ने मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस उसकी मेहरबानी चाहिए। इन पंक्तियों को सुनकर दर्शक उत्साह से लवरेज हो गए। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है, वहां हमें जोधा अकबर दिखाई गई और कहा गया प्यार ऐसे होता है। प्यार की निशानी देखनी है चित्तौड़ जाइए। प्यार की निशानी चित्तौड़ है, जहां हमारी माँ रानी पद्मावती ने अपने पति राजा रतन सिंह के वियोग में दहकती हुई चिता में कूद के जान दे दी। अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। ताजमहल मोहब्बत की नहीं, अय्याशी की निशानी है। वो अदालतें भाई साहब, वो अदालतें जो रामनवमी की छुट्टी मनाया करती थी, वहां जज साहिबान पूछते थे व्हाट इज द प्रूफ दैट राम वॉज बॉर्न। Really? अपना बल ना खोने दें, बिना क्रांति के शांति संभव नहीं है। तलवारें जहां सोती हैं बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।